प्लस टू में पढ़ रहा था तभी से मेरी कैसेट्स कैसेट्स आती थी जी जी टी सीरीज वगैरह में कैसेट्स आने लगी तो मैं सुपर हिट हो गया प्लस टू में पढ़ता ही पंजाब का बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिल गया मुझे मतलब मैं भी मशहूर हो गया तो पिताजी भी फेमस हो गए तब वही पिताजी जो रोकते थे इंटरव्यू दे रहे थे एक बार किसी अखबार वाले को हाँ मुझे पता था बच्चे में बहुत टैलेंट है मैंने बहुत इनकरेज किया मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं <laughs> कोई इनकरेज नहीं किया है हटा मैं तो आप चढ़ते सूरज को सलाम है बस तो मेरे पिताजी की भी ना जो सरकारी चिट्ठियां थी वो भी ऐसे आने लगी थी महेंद्र सिंह फादर ऑफ भगवंत मान फलां स्कूल मैंने कहा जी सन ऑफ तो सुना है फादर ऑफ क्या कब से चलने लगा है वो कहते हैं मैं नहीं कह रखा है कि तेरे नाम से चिट्ठी आ जाए तेरे नाम से थोड़ी जल्दी आ जाती है सब जानते हैं अगर अच्छा वाला करियर चल रहा था एक आर्टिस्ट के तौर पर परफॉर्म कर रहे थे और आपकी आप इतने फेमस भी हो चुके थे कटरीना कैफ के साथ फिल्में भी कर रहे थे ऐसा क्या सोचा कि कटरीना कैफ को छोड़कर आप केजरीवाल के साथ आ गए देखिए कटरीना कैफ को केजरीवाल जी से मत कंपेयर करें ग्लैमर लाइन में मैं था मैं अपने मूवी जिसमें धर्मेंद्र जी सनी दियोल बॉबी दियोल कैटरीना कैफ थे मैं मैंने भी उसमें काम किया लफ्टर चैलेंज में बहुत अच्छे लेवल पे काम किया फेमस तो पंजाबी में पहले बहुत हो गए थे बाद में हिंदी में आ गए लेकिन मेरे मन में एक बात क्योंकि मैं पॉलिटिकल स्टायर करता था मैं स्टायर करता था सिस्टम पर व्यंग मैं तो मन में एक बात मेरे जरूर आती थी कि सिस्टम ठीक होना चाहिए लेकिन मेरी सीडी से या मेरे सीरियल से लोग खुश बहुत हो जाते हैं लेकिन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आता मेरे पास वो पावर नहीं थी कि मैं डिप्टी कमिश्नर को या एसएसपी को कोई ऑर्डर दे सकूं कि ऐसा नहीं ऐसे होता है तो मन में बहुत था कि कुछ करना है क्योंकि अगर किसी फसल को कोई कीड़ा या सुंडी लगी हुँ. तो बाहर से शोर मचा के या कोई पत्थरबाजी करके सुंडी नहीं हटेगी उसके लिए तो पंजाबी में कहते हैं स्प्रे दी टोली मोडे ते रख के अंदर बढ़ना पैंता अगर गटर साफ करना है तो गटर के नीचे उतरना पड़ेगा तो एक मौका आया ऐसा कि मैं राजनीति में मनप्रीत बादल जो आजकल तो बीजेपी में है तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का फैसला किया पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब जी जी तो उन्होंने कहा कि जो पंजाब को प्यार करते हैं मेरा साथ दे दें मैं मिनट नहीं लगाया मैंने अपना करियर छोड़ दिया मैं उनको साथ चला गया बाद में वो कांग्रेस के साथ चले गए इन द आम आदमी पार्टी आ गई तो 2014 में मैं संगरूर से लड़ा और पहली इलेक्शन में हार गया था दो में ये मैं बताना चाहता हूं कि आप बहुत सा जूठ सुन रहा होगा कि पहली इलेक्शन में हार गया था लेकिन मैंने हार नहीं मानी हारना और हार ना मानना अलग अलग बातें मैंने कहा बिल्कुल मैंने कहा नहीं अब आ गए हैं तो करना है तो कई यूथ जो है ना वो अपने फेलियर एक फेलियर को मार लेते हैं बस बिल्कुल सही कह रहे एक हाथी था बहुत पावरफुल है हाथी शक्ति है बहुत बहुत ही कमजोर रस्सी से उसको बांधा गया था महावत में तो एक बंदा आया कहता तू बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है ये तो रस्सी इसका एक आधे स्किंड का काम नहीं है ऐसे कर दिया इसने रस्सी टूट जाएगी इतनी कमजोर रस्सी से तुमने बांधा हुआ है इसको तू रिस्क ले रहा है इसको बड़े बड़े संगल जो होते हैं वो लगा दे चेन लगा दे उसने कहा महावत ने नहीं 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 फिक्र करने की जरूरत नहीं है ये नहीं तोड़ेगा ये रस्सी वो कहता क्यों कहता जब ये छोटा होता था ना तब भी मैं इस रस्सी से बांधता था इसको तो इसने दो तीन बार ट्राई की रस्सी तोड़ने की तब ये रस्सी उससे टूटी नहीं क्योंकि क्यों उसमें उतनी शक्ति नहीं थी लेकिन इसने अपने मन में ये बात इसके मन में बैठ गई कि ये रस्सी मुझसे टूटी गई नहीं कभी मैं फेल हो चुका हूँ रस्सी तोड़ने में इसलिए ये ट्राई नहीं कर रहा ये ट्राई नहीं कर रहा अब इसलिए मैं कहना चाहता हूं सुन रहा है। एक आध अगर फेलियर भी हो जाए ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी किस्मत ही हो गई बस आपकी जिंदगी वही हो गई बिल्कुल आप ट्राई करो हो सकता है वही टेस्ट जो फेल हो गए थे वही टेस्ट पास करने की काबिलियत आप में आ चुकी हो तो इसलिए कोई कहे कि भगवंत मान पहली इलेक्शन हार गया था तो मैं अगर छोड़ के चला जाता कि नहीं इलेक्शन मेरे बस का बात नहीं मैं लड़ा 2014 में एमपी बना 2019 में एमपी बना और दिग्गजों को हराया बड़े बड़े और 2022 हजार बाईस में आ, सरकार बनी तो मुख्यमंत्री आ गए दिग्गजों तो की उस, आप बात कर रहे हैं मान साहब तो म, मतलब ये है कि ना तो कोई तरक्की की उम्र होती है बिल्कुल सही ना बात कोई सपने चुनने या बुनने की उम्र होती है अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सपने सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं सपने वो होते हैं जो आपको सोने, सोने नहीं, नहीं देते तो इसलिए आ, सपने उद्योग साल के ही है कई बंदे नब्बे नब्बे साल की उम्र में मौत का इंतजार करते रहते हैं बुजुर्ग आसपास के पड़ोसियों को भी नहीं पता होता कि इनका बुजुर्ग मर गया या जिंदा है इतनी गुमनाम जिंदगी कहाँ भगत सिंह तेईस साल की उम्र में कहा बानवे साल का बंदा उसका पता ही नहीं। सो so, आदमी बड़ा ख्यालों से बिल्कुल होता है सही बात है शहीदों के ख्याल बढ़े आपने जो बातें कही है, इसमें कोई दो